वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आज थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है अपनी डिस्कशन का. वी आर स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम एंड आई एम अगेन जॉइंड विद डॉक्टर जासिम खान तारिक. वी वांट टू डिस्कस व्हाट आर टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज दैट आर इन टीचर्स. देखिए, हमारे क्लासरूम में जो मेन जो रोल है वो टीचर का है. और इमेजिन करें कि हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं. अभी तो फिलहाल खाली कुर्सियां हैं, लेकिन इमेजिन करें हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं. आप एज अ टीचर कौन सी क्वालिटीज पोजेस करेंगे टू show them that this is the leader. Doctor Sahab. जी डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक. देखिए, टीचर जो है ना, उसकी जो एक पोजिशनल अथॉरिटी है कि वो टीचर है और उसने एक मॉड्यूल जो है उसको रोल आउट करना है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी मॉरल अथॉरिटी है, ये टीचर right, की जो मॉरल लीडरशिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम मोरालिटीज हैं. एग्जैक्टली, उससे अराउंड जो चीजें हैं वो अगर एक टीचर ऑब्जर्व करता है. फॉर इंस्टेंस, देखिए, एक है कि आप बच्चों को डायरेक्ट करते हैं, लेकिन आपका स्टाइल जो है डायरेक्टिंग वाला स्टाइल खत्म हो गया. अब आपका जो स्टाइल है शुड बी मोर ऑफ ए कनेक्टिंग स्टाइल. स्टूडेंट के साथ इमोशनली जो है, हाउ आर यू एबल टू कनेक्ट विद देम, और यू शुड हैव अ वेरी ऑनेस्ट डिस्कोर्स विद देम. और उनके साथ जो है ना, कुछ चीजें हाइड ना करें. हम जो है उनको सिर्फ वो बातें बताते हैं जो जो अच्छा. डॉक्टर जासिम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कनेक्शन का. कनेक्शन दो किस्म के मेरे ख्याल में. वन इज इमोशनल कनेक्शन, एंड एज अ टीचर यू आल्सो कनेक्ट देम थ्रू एकेडमिकली. एग्जैक्टली. अच्छा, वो एकेडमिक कनेक्शन क्या है कि आप उनके लेवल पे आके उनको जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है, जो कॉन्सेप्ट उनको समझाना है, आप उनके लेवल पे आके उनको उनकी जुबान में, इन देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन वे अगर आपको टीच करते, डोंट यू थिंक दैट creates a better impact? No, absolutely right. देखिए, एक तो ये है कि you are able to connect emotionally, and plus आपका जो subject knowledge है, इसमें तो very important. Yes. Two opinions on this. Yes, yes. कि आपका जो subject knowledge है, वो बिल्कुल जो है, you should be बिल्कुल आपके पास top of the line information होनी चाहिए. आप up to date हो, आपका knowledge जो है वो current हो, और आपने उस टॉपिक से जो भी फोर्सेस आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लीडरशिप पढ़ा रहे हैं, एचआर पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें व्हाट आर द करंट डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस. वेरी गुड. तो वो आपको जो है, यू शुड बी कंप्लीटली एड्रेस्ड विद द करंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल टॉप ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप हो. और सेकेंडली, फिर आप जो है ना, स्टूडेंट के साथ यू ट्राई टू इमोशनली कनेक्ट. वो जो इमोशनल बॉन्ड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए, अगर इमोशनल बॉन्ड आप नहीं क्रिएट करेंगे ना, तो आप जितना बच्चा बैकफुट करेगा, हाँ, जितना यू आर फ्लोइंग विद नॉलेज एंड आइडियाज, तो वो अपना माइंड जो है ना, ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू ब्लॉक अपने माइंड को. आपको दे वोंट बी रिसेप्टिव टू द आपके जो आइडियाज. अच्छा, फिर कोशिश ये करें कि इन एवरी क्लास यू टेल देम समथिंग न्यू. वही रन ऑफ द मिल बातें, उसी इंफॉर्मेशन को रिसाइकल नहीं करें, और एक ही मोनोटोनस एक एनवायरनमेंट रखें. Exactly. वो उससे अवॉइड करें. क्रिएट समथिंग न्यू. अच्छा, उसके लिए विजुअल जो है ना, इमेजरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी यू आर गुड स्टोरी टेलर. मतलब आप वेरी गुड अच्छे पैरेबल्स, एनेक्डोट्स या पर्सनल एग्जाम्पल्स. देखिए, देयर आर थ्री काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. एक आपकी अपनी पर्सनल स्टोरीज होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरीज होती है, और एक और जो रोल मॉडल. आई रिमेम्बर डॉक्टर जासिम, वन ऑफ माय टीचर्स इन स्विट्जरलैंड, ही वाज टीचिंग अस फाइनेंस, एंड ही वाज कंप्लीटली टेलिंग द एंटायर फाइनेंशियल मॉडलिंग इन अ स्टोरी टेलिंग अप्रोच. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. फाइनेंस की जो सब्जेक्ट में स्टोरी टेलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ही वाज मैकगिल यूनिवर्सिटीज थ्री टाइम्स बेस्ट टीचर इन द टाइम ऑफ 2003. सो वो मुख्तलिफ टाइम्स में तीन दफा बेस्ट टीचर का अवार्ड ले चुका था. सो मैंने ये देखा है कि हमें स्टोरी बनानी नहीं आती. Exactly. अगर आपने बच्चों को कनेक्ट करना है, जो आप बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किए, यू हैव टू गो टू देयर लेवल, टेल देम द स्टोरीज. आई ऑल्सो रिमेंबर, आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ माई टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री. मैं बाय द वे केमिस्ट्री साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड है, तो केमिस्ट्री का टीचर ने पीरियोडिक टेबल पूरा रिदम में हमें समझाया. पूरे रिदम में, बिल्कुल, हाल ही ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, एंड वी स्टिल रिमेंबर इट. I feel that we need a lot of these new pedagogical methods. Absolutely. in universities, which are completely lacking. Exactly. और खास तौर पे जो management के subjects. बिल्कुल. वो आप जो सर, डॉक्टर साहब बात करते हैं Socratic method की, कि Socrates didn't used to answer any question, he used to ask those questions. Questions raise करते हैं. Exactly. आप students की imagination को trigger करें, ignite करें, और आप तभी कर सकते हैं कि जब आप you are passionate about what you're saying, जो आप deliver कर रहे हैं, जो आपका topic है, उसके बारे में आप पैशनेट हो, और आप वाकई, आपका एम ये होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर कोई वैल्यू एडिशन होगी. अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा, मेरे ख्याल इसमें अलम आपने उठाया हुआ, यूनिवर्सिटीज में आप लीड कर रहे हैं पावर पॉइंट के खिलाफ.
मेरा ख्याल है आप जब पावर पॉइंट्स को बीच में लेके आते हैं ना क्लासरूम में, स्टूडेंट लूज ऑल द गेम ऑब्वियसली, फिर उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट द इंटरेस्ट एंड यू हैव लॉस्ट द गेम. एग्जैक्टली, तो स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि ये सिर्फ जो है टीचर इज गोइंग टू डिस्प्ले करेगा कुछ, और वो कुछ स्लाइड्स डिस्प्ले करेगा, उनकी सारी जो अटेंशन होती है ना फोकस आप पे नहीं होती, वो स्लाइड्स पे होती है. यस, और वो फिर उससे बियॉन्ड आप डिस्कस नहीं कर सकते. देखिए, नॉलेज को आप कन्फाइन नहीं कर सकते कुछ उसमें स्लाइड्स में. बिल्कुल ठीक. तो कोशिश ये करें कि जितना आपका स्टूडेंट इस्तेमाल करे स्लाइड्स, लेकिन एक एक लिमिट्स में रह के सिर्फ आप पॉइंट्स नोट करें और उस पे फिर डिस्कस करें. प्लीज डोंट डू दिस रीडिंग एंड स्टैंडिंग बिहाइंड द रोस्टरम इज आल्सो वेरी. और डॉक्टर साहब, जितना आप इंटरेक्टिव कर सकते हैं ना, इसको जितना ज्यादा आप स्टिमुलेटिंग कर सकते हैं, और ट्राई टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स, उनको जो है ना थ्रू फीलर्स नॉलेज विच यू हैव इम्पार्टेड. द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज that you are leaving some very important questions that they have to answer in their mind. So aapne unko inquisitive mind de diya, wo query karenge, sochenge, uspe zara ghar baith ke kaam karenge, kitab kholenge, online internet pe baithenge, aur phir usme se they will dig it. Aur doctor saab dekhen, ab 2 plus 2 is also 4 and 4 plus 0 is also 4. Yes. And 3 plus 1 is also 4. Exactly. So aap students ki jo perspectives hain ya unke jo viewpoints hain na, unko appreciate. Very good point. You have to be flexible. Yes. Aap students ko you know apne mold mein na you know tarashi unko. Let them you know jis tarah wo unki personality. These are millennials. Yeah. They for the unique personality, unki apne perspectives hain, unko jo hai na try to bring that into. Doctor, time has changed. Time has changed. This is not our generation. These are millennials. At the palm of their hand, they have got everything. It's not a teacher's job to treat students like empty vessels or usme aap ideas stuff kar rahe hain, balki aapne unke andar ka jo there is a huge reservoir of energy inside them, jo main pehle hi baat ki thi, aapne usko student ko usse connect karwa lo. Bilkul bilkul. To unke mind mein jo ye jo you know spirit of curiosity hai, ki matlab they should be a probing mind ho. Uske liye jab tak aapka apna mind creative nahi hai na, creative mindset wo zaruri hai. Acha, maine doctor saab maine ye dekha hai इस रोल की वजह से टीचर का बड़ा वीक रोल बनता जा रहा है, बिकॉज पढ़ता नहीं है टीचर, अप टू डेट नहीं है अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, उससे उसकी रिस्पेक्ट में भी कमी आ रही है. सॉरी टू से, आपके सामने जब क्लास में बच्चे बैठे हैं, दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर द ग्रेड्स एंड दे विल रिस्पेक्ट यू, एंड वंस यू आर डन, स्पॉट ऑन यू ओनली रूल ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज. मतलब आप अपनी, मैं ये बात कर रहा था कि पुडिशियल अथॉरिटी पे आप नहीं कर सकते, आपकी मॉरल स्ट्रक्चर कितना है. बिल्कुल. और मॉरल स्ट्रक्चर तभी होगा, एक तो आप स्टूडेंट के साथ जो है ना यू हैव दैट पेरेंटल काइंड ऑफ अप्रोच, उनको आप फॉरगिव करेंगे, उनकी जो है मिस्टेक्स को फॉरगो करेंगे, एक रिफॉर्मेटरी किस्म की आपकी अप्रोच होगी, उनकी तस्दील नहीं करें. और सेकंडली ये कि यू शुड बी फ्लोइंग विद ओवरफ्लोइंग विद नॉलेज एंड आइडियाज, कि आपको इतना, आप जिस तरह आप कह रहे हैं, आपने बड़ा सही कहा कि आपको करंट जो रिसर्च है या करंट उस पे जो डेवलपमेंट्स है जो भी उस पे आप इतने ज्यादा जो है ना अबूर हो कि आपके स्टूडेंट जो है उनको पता हो कि हम इस क्लास में आएंगे तो हमें जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा, वरना अदरवाइज जो है वो दिल शट देयर माइंड, वो अपने माइंड्स को जो है ब्लॉक कर देंगे, दे वोंट लिसन टू यू. तो एक इमोशनल कनेक्ट बड़ा जरूरी है. दूसरा फिर आप वाली बात जो है कि आपका एकेडमिक जो आपकी इसके साथ डिस्कोर्स है वो आपके जो है उस पर कोई आपने कभी नहीं है उसमें, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि जो हमारे हम स्लाइड सिस्टम के अगेंस्ट इस वजह से भी हैं कि आप फिर वो स्लाइड्स को अपडेट नहीं करते ना, आप वो स्लाइड्स आप चला रहे हैं सालों साल चला रहे हैं. तो वो जो है इवन हार्वर्ड की अभी जो है रिसर्च जो आई है वो भी यही कह रही है कि जो दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर यूजिंग द स्लाइड मेथड. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर जासिम, एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन. वी विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन द सिमिलर टॉपिक्स. और मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब एक मैं इसमें जो बात जरूरी समझता हूँ कि हमें स्टूडेंट्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए टू आस्क क्वेश्चंस. हमारे काफी टीचर्स ऐसे हैं जो मतलब क्वेश्चंस को इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं. तो देयर इज नेवर अ रॉन्ग क्वेश्चन. देखें, if you don't ask a question you are you might be fooled for a minute, but if you don't ask it you're fooled for a lifetime. Yes, exactly. So let them ask the questions. Bilkul theek, bilkul theek. Puche unse taki unki jo hai na unki development ho, intellectual unki development. Bilkul. Thank you so much Dr. Jasim, this is a very important point, and thank you everyone for viewing the video. Please share kare, comment kare, aur subscribe kare our YouTube channel. Thank you. Thank you very much. Shukriya.